Hello everyone and welcome to my channel Sonu Sethia. In my last videos we have seen and talked about Ayurveda acupressure meridians, vertical meridian, horizontal meridian, spiral meridian and the nail chakras. Today we will discuss about long vertical meridian LVM. LVM के बारे में आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे. तो जब हमने वर्टिकल मेरिडियंस की लोकेशन को समझा था तो जीरो वर्टिकल मेरिडियन हमारे एकदम सेंटर लाइन पर सामने चलती हैं, जैसे तो इट कवर्स अवर एरिया. कौन सी एरिया जो एकदम सेंटर लाइन की, यानी कि स्टर्नम बोन, हार्ट, नेवल, हमारा इसोफेगस, जेनाइटल पार्ट्स, तो ये जो हमारे गर्दन हुआ, हमारा थ्रोट एरिया हुआ, तो ये सब हमारा जो जीरो VM है वो कवर करती है. और हमारा 9 VM यानी कि 9th वर्टिकल जो है हमारा पीछे एकदम सेंटर में चलती है और क्या कवर करेगी, हमारा पीछे पूरी स्पाइन को कवर करेगी. थोरैसिक एरिया हो स्पाइन की, चाहे हमारे स्पाइन एरिया को कवर कर रही है. और उसके साथ साथ हमारा ये जो मेडुला का रीजन आता है ऊपर सेंटर में, उसको कवर करता है. सिर के पीछे की एरिया हो, सिर में दर्द हो पीछे की एरिया में, चाहे गर्दन की एरिया हो, स्पाइन हो, तो इन सबको 9th वर्टिकल. अब अगर समस्या आगे भी सेम एरिया के पीछे भी है तो इन केस में हम एक इन दोनों मेरिडियंस को जोड़ के एक लंबवत मेरिडियन बनाते हैं जिसे हम LVM कहते हैं. यानी कि जीरो वर्टिकल मेरिडियन होती तो 10 पॉइंट्स उसके, 9 वर्टिकल मेरिडियन होती तो 10 पॉइंट्स उसके. अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 0 और 9, आगे से 0 और पीछे 9, इन पूरी को हम जोड़ दें तो हर मेरिडियन में 10 पॉइंट होते हैं, तो इस जोड़े में भी 10 पॉइंट ही होंगे. तो हमारे 20 पॉइंट्स जो टोटल बन रहे थे उससे हम 10 पॉइंट्स पर आ गए. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने कम किया और एक साथ में इस पूरी एरिया को हमने कवर किया विथ अवर 0 एंड 9 VM के जोड़ से, जिसको हम कहते हैं 09 LVM, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 0 एंड 9. इसी प्रकार से अगर हम अब अपना राइट साइड देखें तो यहां हमारी थी 1, 4, उसके पीछे 5 एंड उसके पीछे 8, यानी कि 1 का जो रीजन है उसके पीछे आती है 8 नंबर की हमारी वर्टिकल मेरिडियन. तो हम किसको जोड़ेंगे हमारे राइट साइड में, 1 एंड 8 को जोड़ के LVM बनाएंगे एंड 4 एंड 5 को जोड़ के हम अपने LVM बनाएंगे. इसी प्रकार से अब अगर अब हमने लेफ्ट साइड में देखें तो इधर थी हमारे 2, 3 और उसके पीछे 6, 7 एंड देन 9. तो हमारा 2 के साथ कौन जुड़ेगा, पीछे 7, और हमारा 3 के साथ जुड़ेगा पीछे 6 नंबर वर्टिकल्स. तो इनको जोड़ के हम LVMs बनाते हैं, यानी कि ये टोटल संख्या में 5 हमारी LVM होती है. 09, 18, 45, 27 एंड 36. इसमें एक खास बात आप नोट कर सकते हैं कि जब आप वर्टिकल्स को जोड़ते हैं तो जो सामने है उसके पीछे की वर्टिकल जुड़ती है, और इनका जो टोटल होता है ना वो 9 होता है. जैसे 0 और 9 को जोड़े तो टोटल हो गया 0 प्लस 9 9. 2 के साथ कौन जुड़ता है, 7, 2 प्लस 7 इज 9. 3 के साथ कौन जुड़ा, 6 नंबर, 3 प्लस 6 इज 9. इसी प्रकार से 4 प्लस 5 4 बाय 5 LVM हमारी, और 1/8 LVM हमारी होती है. दूसरी खास बात यह है कि छोटी नंबर की संख्या से बड़ी नंबर की संख्या जुड़ रही है, यानी सामने की मेरिडियन से पीछे की मेरिडियन जुड़ रही है. यानी ये जो LVM है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन है, ये सामने को और पीछे को कनेक्ट कर रही है. जो हमारी 09 है सेंटर में, वो हमारे बॉडी को एक प्रकार से दो भागों में बांट दे रही है, एक राइट हिस्सा और दूसरा लेफ्ट हिस्सा हमारा. और जो बाकी की हमारी मेरिडियंस है वो सामने से, फ्रंट से बैक जा रही है. फ्रंट से चाहे वो 09 हो, चाहे वो हमारी 1 8 हो, 4 5 हो, 3 6 हो या 2 7 हो, सारी हमारी मेरिडियंस सामने से पीछे जा रही है. यानी कि क्या क्या खास बातें हमने नोट की कि ये हमारे सामने से पीछे को जोड़ती हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का इसका नंबर होता है 09,
1845 3627। तो छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है और सामने से पीछे कनेक्ट करता है, और इनकी टोटल होती है 9। और ये टोटल नंबर ऑफ एलवीएम्स होती है हमारे 5। ठीक है, आइए अब इसको एक बार अपने फिंगर्स पे समझ लेते हैं। तो जब हम, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और इस पे हमने देखा था कि जीरो सेंटर में वर्टिकल्स कैसे हम डिवाइड करते हैं, इसमें लाइंस हमारी ये इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस बनती हैं, और 0 1 4 5 8 ये ऐसे 0 1 4, और इस तरफ 2 और 3, हमारे थंब साइड 1 4 रहता है। ठीक है, और इसके पीछे इधर से 5 8, ये 5 8 9, 6 और 7, ये 6 ये 7, इस प्रकार से ये चलती हैं। ये हमने वर्टिकल्स का डिवीजन देखा। अब कनेक्ट कौन होगा, हमारा 0 9 का कनेक्शन बनेगा, यानी ये सेंटर लाइन जो है ये 0, ये 0, ये कनेक्ट होगी हमारे किससे, ये पीछे 9 नंबर जो सेंटर में है। तो अब हमने अगर कनेक्ट करना है, समझिए 3, तो ये कॉर्नर से चलती है 3 जो हमारी फिंगर्स की तरफ आ रही है, ये 3, और पीछे इसी साइड कॉर्नर में चलेगी हमारे 6 नंबर, तो ये होगा 6 नंबर। सो ये इधर कॉर्नर से ये पीछे 6 के साथ कनेक्ट करती हुई 3 6 LVM बन जाती है, सेंटर वाली हो जाएगी 0 9 LVM। इसी प्रकार से 1 8 और कॉर्नर में 4 और 5 LVMs होंगे। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर की मेरिडियन है लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, और हमें पता है कि हर मेरिडियन के अपने 10 एलिमेंट्स के 10 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि LVM के, प्रत्येक LVM के भी अपने 10 पॉइंट्स होंगे। तो उनकी प्लॉटिंग कैसे होगी, तो जो हमने VMs लिए हैं एक युग में, एक जोड़े में जो हमने VMs लिए हैं, तो पहली वर्टिकल मेरिडियन पे 5 पॉइंट्स रहेंगे, पहले 5 पॉइंट्स, और दूसरी वर्टिकल मेरिडियन पे बाद वाले 5 पॉइंट्स रहेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 पहली वाली पर, और 5 6 7 8 9 दूसरी वाली VM पर रहेंगे। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम अपने 10 उत्पत्ति चक्र पर समझते हैं कि कैसे होता है, कि कौन कौन LVM लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बनाते हैं। तो 0 गेट्स कनेक्टेड विथ 9 VM, 2 गेट्स कनेक्टेड विथ 7 VM, 3 गेट्स कनेक्टेड विथ 6 VM, 1 गेट्स कनेक्टेड विथ 8 VM एंड 4 गेट्स कनेक्टेड विथ 5 VM। सो टोटल नंबर ऑफ LVMs विल बी 5। हमारे पास 0 9, 2 7, 3 6, 1 4 एंड 5। देन वी हैव 4 5 एंड 1 8। ये हमारी LVMs होती हैं। ठीक है, अब इसका हम पॉइंट्स के, इसके 10 पॉइंट्स की हम लोकेशन देखते हैं हमारे हैंड्स पर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, थंब एंड अ फिंगर, एंड ये हमारा राइट हैंड है, दिस इज अवर राइट हैंड, फिंगर एंड थंब, और इसका ये बैक साइड, राइट हैंड का बैक साइड एंड ये लेफ्ट हैंड का हमारा बैक साइड। अब सबसे पहले हम लेते हैं 0 9, लेट्स कंसीडर 0 9 LVM। सो 0 और 9 LVM जब हम कंसीडर करते हैं, तो पहले 5 पॉइंट कौन कौन, 0 1 2 3 एंड 4, ये पहले जो 5 पॉइंट हैं वो 0 VM पे आएंगे, और बाद के जो 5 पॉइंट है यानी कि 5 6 7 8 एंड 9, ये 5 पॉइंट हमारे 9th वर्टिकल मेरिडियन पर आएंगे। कैसे आएंगे, अब 0 VM कहाँ चलती है, हमारी सेंटर में। वर्टिकल मेरिडियंस की लोकेशन अगर आपको रेफर करनी हो तो मेरे पुराने प्रीवियस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा,
सो ये हो गई हमारी जीरो वीएम, और नाइन वीएम कहाँ हो गई, पीछे हमारे बैक साइड में सेंटर में, ये हो गई हमारी नाइन्थ एलवीएम। ठीक है, अब इस पे पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4 ये हम प्लॉट करेंगे जीरो वीएम पर। कहाँ आएगा, जीरो हमेशा इस पे रहता है, एलवीएम का जीरो हमेशा ये वात, ये पित और ये कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट पे रहेगा, और पित एंड कफ जॉइंट के बीच में रहेगा वन नंबर पॉइंट, और ये टू नंबर पॉइंट रहेगा हमारा पित्त जॉइंट पर, थ्री नंबर पॉइंट रहेगा हमारा वात एंड पित्त के बीच में, एंड वात फेलेंज के बीच में हमारा रहेगा चार नंबर पॉइंट। अब जो बाकी के पांच पॉइंट्स हैं हमारे 5, 6, 7, 8, 9 ये आएंगे हमारे नाइन्थ वर्टिकल मेरिडियन पर, जो कि हमारे हाथ के पीछे होती है। और इस पे कैसे आएगा, जैसे हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए वैसे हम अब रिवर्स में उतरेंगे, तो उतरेंगे तो हम यहां से उतरेंगे, तो फोर के पीछे आएगा फाइव, थ्री के पीछे आएगा सिक्स, टू के पीछे आएगा सेवन, वन के पीछे आएगा हमारा एट, एंड जीरो के पीछे आएगा हमारा नाइन नंबर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा 0, 9 LVM लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, और इसके 10 पॉइंट्स की प्लॉटिंग ऑन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर या लेफ्ट किसी भी फिंगर पर आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार। सो नाउ लेट्स कंसीडर नेक्स्ट, हम एक लेते हैं और 3, 6 LVM। 3, 6 LVM को हम प्लॉट करते हैं अपने लेफ्ट थंब पे, ठीक है, यानी कि थर्ड वीएम पे हमारा आएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सिक्स्थ वीएम पे हमारे पॉइंट्स आएंगे 5, 6, 7, 8, 9, और लेफ्ट थंब पे हमारा 3 रहता है इधर बाहर की तरफ कॉर्नर में, और 6 रहता है हमारा इस तरफ पीछे की साइड कॉर्नर में। सो दिस इज 6 वीएम एंड दिस इज 3 वीएम। अब इस पे पांच पॉइंट पहले 3 पर करते हैं, तो 0 आता है हमारा कफ जॉइंट पे, सो दिस इज जीरो। फिर हमारा वन आता है यहां बीच में, और टू आता है हमारा वात जॉइंट पे, वात पिट जॉइंट पे, एंड थ्री एंड फोर अब हमारे इस वात फैलेंज में आएंगे, सो थ्री एंड फोर, सो दिस इज थ्री एंड फोर। ये पांच पॉइंट्स हो गए हमारे लेफ्ट थंब पे। कोई भी अगर हम एलवीएम बनाएंगे तो इसी प्रकार से इस पे पांच पॉइंट्स रहेंगे, जीरो हमेशा वात जॉइंट पे, कफ जॉइंट पे, एंड टू हमेशा वात जॉइंट पे, और बाकी के पॉइंट्स उनके बीच में। और इसके पीछे जो जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9 तो ये मेरिडियन जब नीचे उतरेगी तो फोर के पीछे फाइव, फिर सिक्स, थ्री के पीछे वात जॉइंट पे सेवन, एट, एंड ऑन द कफ जॉइंट इट इज नाइन। ऑन द सिक्स वीएम पे इसकी प्लॉटिंग हम करेंगे। नाउ लेट्स कंसीडर द प्लॉटिंग ऑफ 2, 7 LVM ऑन अवर राइट हैंड फिंगर। ओके, तो जहां पर इसमें पॉइंट्स इसी प्रकार से आएंगे जैसे हमारे लेफ्ट हैंड पे आए थे, पर इसमें जो हम वीएम चूज कर रहे हैं वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होंगे। सो 2 वीएम इधर होती है एंड पीछे की साइड में 7 वीएम इधर होती है। सो वी विल कंसीडर, अब पॉइंट्स कैसे लगेंगे, तो 2 नंबर पे लगेंगे हमारे 0, 1, 2, 3, 4। सो ये 2 वीएम है, इस पे 0 यहां आएगा ऑन द कफ जॉइंट, 1 पित्त और कफ के बीच में, पित्त पर हमारा आएगा 2 नंबर पॉइंट, वात और पित्त जॉइंट के बीच में आएगा हमारा 3 नंबर पॉइंट, एंड वात फैलेंज के बीच में हमारा आएगा 4 नंबर पॉइंट। उसके बाद इसके पीछे जब ये मेरिडियन उतरेगी तो हमारा 7 नंबर वीएम पे बीच में बनेगा हमारा 5 नंबर पॉइंट,
फोर के पीछे सेंटर में फलेंज के, फिर इस जॉइंट पे वाच जॉइंट पे कुछ पॉइंट नहीं रहेगा, और थ्री के पीछे हमारा बनेगा सिक्स, पिथ जॉइंट पे सेवन, पिथ एंड कफ के बीच में एट नंबर, एंड कफ जॉइंट पे नाइन नंबर हमारा पॉइंट रहेगा। सो वाच जॉइंट पे कोई भी पॉइंट नहीं होता है ऑन फिंगर्स, चाहे हम कोई भी एलवीएम लें, वाच जॉइंट पे इसका कोई भी पॉइंट नहीं होता है सिवाय थंब के। थंब पे जब हम लेते हैं तो हमारा टू नंबर पॉइंट आता है, क्योंकि टू नंबर पॉइंट वात पित पित्त जॉइंट पे होता है, और ये हमारा वात पित्त जॉइंट होता है थंब पे। लेट्स कंसीडर अनदर एलवीएम, 1-8 एलवीएम। इसकी प्लॉटिंग हम देखते हैं राइट थंब पर। वन नंबर पे आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, एंड एट नंबर पे आएंगे हमारे 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स। यानी ये हमारी वन नंबर वीएम और ये हमारी एट नंबर वीएम, और इसके पॉइंट्स कैसे रहेंगे, जीरो रहेगा हमारा कफ जॉइंट पे, जीरो, वन सेंटर में वात एंड कफ के बीच में, टू ऑन द वात जॉइंट एंड वात फैलेंज पर थ्री एंड फोर, और इसी प्रकार उसके पीछे की साइड रहेगा हमारा फाइव एंड सिक्स, सेवन रहेगा हमारा वात जॉइंट पे, एट सेंटर में ऑफ वात एंड कफ जॉइंट, और कफ जॉइंट पे नाइन नंबर पॉइंट। इस प्रकार से ये प्लॉटिंग होगी। हमने देखा जीरो हमारा कफ जॉइंट पे, टू हमारा पित्त जॉइंट पे, वन हमारा पित्त और कफ जॉइंट के बीच में, थ्री हमारा वात एंड पित्त जॉइंट के बीच में रहता है जब हम फिंगर्स कंसीडर करते हैं, एंड फोर हमारा वात फैलेंज पे सेंटर में रहता है ऑन फिंगर्स, मगर थ्री एंड फोर दोनों हमारे वात फैलेंज पे रहते हैं जब हम थंब को कंसीडर करते हैं। ये हमारा 0-9 जो एलवीएम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्टिव चैनल। 2-7 एलवीएम हमारा की चैनल के नाम से जानते हैं, 1-8 एलवीएम हमारा एसेंस चैनल है, एंड 3-6 एलवीएम हमारा ब्लड चैनल है, एंड 4-5 एलवीएम, 4-5 कहाँ बनेगा, ये 4 होगा इधर और इसके पीछे इस साइड में 5 का जाएगा, तो 4-5 एलवीएम जो है हमारा बॉडी फ्लूइड्स का चैनल है। नाउ लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल, वॉर्म्स का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है। इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल है 0-9 sedate, और हम ये अप्लाई करेंगे बोथ थंब ऑल एलवीएम 0-9 sedate। इसके साथ अगर हम फिंगर नंबर 1-5 वात जॉइंट पर 0-9 sedate ऐड कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टमक, इन पांचों के जॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लिया है जिसपे हमने इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल लगाया है 0-9 sedate। तो अब पहले ये देखते हैं कि बोथ थंब ऑल एलवीएम 0-9 sedate कैसे करते हैं। सारी एलवीएम का जीरो आएगा हमारे कफ जॉइंट पर सामने की साइड में थंब पर, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, पांच मैग्नेट्स इस प्रकार से यहां पर लगेंगे टोन में, टोन लगेंगे यानी कि व्हाइट पार्ट व्हाइट ऊपर रहेगा, और हमारा नाइन्थ पॉइंट आता है हमारा कफ जॉइंट पर पीछे की साइड यांग साइड पर, तो 9 sedate, ये सारे येलो मैग्नेट ऊपर रहेंगे। इस प्रकार से हमने लेफ्ट थंब पे लगाया, और सेम फैशन से हमें ये हमारे ये 0 tone का वाच जॉइंट पे पांच मैग्नेट्स एक साथ रखेंगे, और ये पीछे 9 पे येलो मैग्नेट्स हम पीछे रखेंगे। सो दिस इज फॉर वॉर्म्स। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जाम्पल टू इंक्रीज हाइट, यानी कि लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं। राइट थंब 0-9 एलवीएम
0257 टोन। अब कैसा लगेगा, ये हमारी राइट थंब के 0 वीएम हो गई, ये हमारी पीछे की साइड में 9 वीएम हो गई, और इस पे पॉइंट्स बनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे पॉइंट्स लगे। हमें लगाना क्या है, सारे टोन लगाने हैं, यानी सारे व्हाइट मैग्नेट्स ऊपर रहेंगे। और जीरो कहाँ लगेगा, हमारे कफ जॉइंट पे, यहां एक पॉइंट, फिर टू लगेगा हमारे वाच जॉइंट पर, फाइव लगेगा हमारा पीछे की साइड यांग साइड में यहां, और सेवन लगेगा हमारा वाच जॉइंट पर पीछे। सारे पॉइंट स्टोन है और ये चार पॉइंट हमें लगाने हैं। दिस इज ऑल ऑन लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन लोकेशंस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।